गुरुग्राम में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने देर रात रेड कर करीब एक दर्जन से ज्यादा हुक्का बरामद किए। हुक्के में प्रयोग किए जाने वाला तंबाकू और निकोटीन लिक्विड अवैध रूप से लोगों को परोसा जा रहा था। जहां सेक्टर 29 में स्थित अड्डा पब और पाउस पब में ड्रग्स कंट्रोल विभाग की तरफ से रेड की गई। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को इसकी पिछले काफी समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद टीम ने पुलिस की टीम के साथ रेड की और मौके से प्रतिबंधित हुक्का और निकोटीन समेत वहां से बरामदगी की गई। इस कार्रवाई में दोनों पब के संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जांच की जा रही है कि आखिर ये प्रतिबंधित तंबाकू कहाँ से लाया जा रहा था। कल एक गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई कि अब शहर के अंदर, गुड़गांव शहर के अंदर जो पब एंड बार हैं उनके अंदर ई हुक्का चल रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल नया कंसेप्ट था। हमने कल इस पे जांच की तो हमें दो बार ऐसे मिले जहां पे ई हुक्का का सेवन कराया जा रहा था। ई हुक्का के अंदर बेसिकली ये वेप्स हैं और इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस हैं जिसके अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर एक मिक्सचर डाला जाता है जो फ्लेवरिंग एजेंट है। उसके अंदर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, जो कि एक ड्रग फॉर्म के अंदर ही आता है, और ड्रग फॉर्म के अंदर आने के लिए उसके लिए लाइसेंस चाहिए। ये ना ही किसी ड्रग के अंदर बनाया, और इसकी कितनी क्वांटिटी है और इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है या नहीं, वो एक जाँच का विषय है। फिलहाल अभी कितनी क्या कार्रवाई की गई है क्या पुलिस? फिलहाल हमने जो ये फ्लेवर मिला है उसके लेबल के आधार पर उसकी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस के लिए टेस्टिंग के लिए इसको चंडीगढ़ भेज दिया है। उसकी रिपोर्ट आने पे इसके कार्रवाई की जाए। कितने बजे रेड हुई थी सर ये? ये कल हमने 10 बजे से शुरू करी थी और लगभग 3-3:30 बजे तक कार्रवाई करी।